यह स्थान प्राप्त किया है बेस्ट डांसर का श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना से। जोरदार ताली बजाए उनके डांसर आए श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना से। श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना से। इनाम कौन दे रहे हैं? हमारे पप्पू भाई वर्मा और अरुण वर्मा जी के द्वारा विशेष डांसर जो कि हिंगना सिर वाले भजन मंडल के विशेष डांसरों को 501 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों में इसी क्रम में बेस्ट ढोलक मास्टर के लिए 501 रुपए की राशि हमारे पप्पू वर्मा जी द्वारा रखी गई है। यह बेस्ट ढोलक और भरे दंगल में शिकार करके जाऊंगा। क्या कह रहा है? अरे हमारे गली गली कमजोर मत समझना, हमारे अरे मुझे कमजोर मत समझ, मुझे कमजोर मत समझना, मैं नहीं हूँ कमजोर, मैं भी कमजोर भारी हूँ। अरे बुलाना है तो अपने साथियों को और बुला ले बेटा, मैं तो तुझे अकेला ही काफी। अपने दुश्मन को ललकार के बाद आजकल बड़ी अकल दिखाने लगा है। अरे तू क्या समझता है कि तुझे छोड़ जाऊंगा? तू क्या समझता है कि तुझे छोड़ जाऊंगा? अरे आज तो तुझे नींबू चंद छोड़ जाऊंगा। अरे देख लेना, देख लेना, कायर ज्यादा ही बात करता है तेरे अंग अंग तो। कथा भी बिल्कुल मर्यादे, आप चौथे दिन की लड़ाई सुनने जा रहे हैं। पांडवों की ओर से भीम से सेन वेणु की रचना करके मैदान में आते दोनों में भारी संग्राम होता है, एक दूसरे से कम नहीं पड़ते, लेकिन भीमसेन के आगे कौन की चली है। भीष्म पितामह से आज उनका पाला पड़ा है। अभिमान का चूर भीमसेन जब भीष्म पितामह के सामने आए तो चूर चूर हो गए। जान बचाने के लिए अर्जुन आते हैं और दादा को ललकारते हैं कि दादा संग्राम मुझसे करो तो जान। क्यों नहीं
भीष्म पितामह कहने लगे कि बेटा अभी तू बच्चों में खेला है, तो भीष्म पितामह से अर्जुन कहने लगे कि दादा तुम्हारा बुढ़ापा आ चुका है। अरे दादा धमकी दे मेला दादा, और मजा लड़ने का तुम सोचा, मजा लड़ने का तुम और मजा लड़ लेगा, ओ हो लड़ लेगा तुम तो चखा, आज हो जाएगा फैसला। चपली भी दिखाना दिखालो, लेकिन आज मेरे सामने तुम्हारी चलने वाली नहीं है। क्या कहते आज हो जाएगा फैसला, चाहे जितने दिखा लो कल हो जाएगा फैसला, चाहे जितने देखा हो जाएगा फैसला, चाहे जितने देखा ले करा। लेकिन दादा कम नहीं पड़ते, और कहते कि बेटा जिस फौज पे तू उतरा रहा है क्या कहते हैं, अरे नहीं मेरे घर में कोई तेरा मेरा, उठा दूंगा दुनिया से तेरा तेरा, ये गीदड़ की खोज मुझे
घर जा रहा हूँ।